दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ पीएसआईडी के बारे में मुकम्मल मालूमात दूंगा कि आप पीएसआईडी कैसे जनरेट करेंगे। अगर आपकी पीएसआईडी डिलीट हो गई है तो इसका सलूशन क्या है वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को भी लाजमी से लाइक कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि पीएसआईडी होता क्या है। दोस्तों जब आप अपने मोबाइल फोन का टैक्स जमा करवाते हैं तो आपको पीएसआईडी की जरूरत पड़ती है दोस्तों, क्योंकि उस पीएसआईडी के ऊपर ही आप अपने मोबाइल फोन का टैक्स जमा करवाते हैं। अगर आपके पास पीएसआईडी नहीं होगी तो आपका मोबाइल फोन रजिस्टर कभी नहीं होगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपने मोबाइल फोन की पीएसआईडी जनरेट कैसे करनी है। दोस्तों अगर आपने अपने मोबाइल फोन की अभी तक पीएसआईडी जनरेट नहीं की हुई तो दोस्तों आप *8484# डायल करके दोस्तों आप अपने मोबाइल फोन की पीएसआईडी हासिल कर सकते हैं। इसके ऊपर दोस्तों मैंने ऑलरेडी बहुत सी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर। दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद यही है, जिन भाइयों की पीएसआईडी डिलीट हो गई है या फिर गुम हो गई है या फिर इन्होंने पीएसआईडी जनरेट की थी तो उनके पास अभी तक कोई मैसेज वसूल नहीं हुआ, पीटीए की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया इनकी तरफ, दोस्तों वो भाई क्या करेंगे। दोस्तों मैं आज पीटीए के ऑफिस भी गया हूँ और फ्रेंचाइज में भी गया हूँ, क्योंकि दोस्तों आप सब भाइयों का यही क्वेश्चन था कि पीएसआईडी डिलीट हो जाए तो इसका सलूशन क्या है। दोस्तों इस पे मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी कि पीएसआईडी में आपको खुद जनरेट करके दूंगा, लेकिन दोस्तों इससे मसला ये हो रहा है कि आपके जो IMEI नंबर होते हैं दोस्तों वो आप सही सेंड नहीं करते, सही इन्फॉर्मेशन मुझे सेंड नहीं करते। दोस्तों इसका एक ही हाल में आपको बताऊंगा कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन की पीएसआईडी डिलीट हो गई है या फिर गुम हो गया तो इसका सलूशन एक ही है दोस्तों, आप दोबारा किसी भी फ्रेंचाइज में जाएं, जैज, टेरिनार, यू फोन जोन, दोस्तों अपने ही इलाके में, दोस्तों किसी भी इलाके में जा के आप किसी भी फ्रेंचाइज में जाएंगे तो तब ही आपके मोबाइल फ़ोन की पीएसआईडी दोबारा जनरेट हो सकती है। अब मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अगर आपके मोबाइल फ़ोन की पीएसआईडी डिलीट हो गई है तो आपने फ्रेंचाइज में जाके कैसे पिन जनरेट करनी है दोबारा। दोस्तों आप दोबारा जाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन लेके साथ जाएंगे, मोबाइल फ़ोन का बॉक्स होगा तो लेके जाएंगे, आईडी कार्ड साथ लेके जाएंगे, इन्फॉर्मेशन दोस्तों वो मांगेंगे वो आपने देनी है, उन्हें यही बोलना है कि मेरी पीएसआईडी जो होती है वो डिलीट हो गई है, आप मुझे दोबारा से जनरेट करके दें। दोस्तों वो आपसे दोबारा नंबर मांगेंगे, IMEI नंबर मांगेंगे, आपका आईडी कार्ड नंबर मांगेंगे। दोस्तों वो आप उन्हें जब देंगे तो आपकी पीएसआईडी दोबारा से वो आपको जनरेट करके देंगे। इसके दोस्तों सिर्फ 100 रुपीज चार्जेस हैं, 100 रुपीज से ज्यादा चार्जेस नहीं होंगे, आपको पहले बता रहा हूँ 100 रुपीज इसके चार्जेस होंगे, उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं होंगे। जब वो पीएसआईडी दोस्तों आप हासिल कर लेंगे, वो जो पीएसआईडी होगी वो आपको जो चलान फॉर्म जनरेट करके देंगे दोस्तों, आप फिर दोबारा ऑफिस में किसी भी ऑफिस में जाए वहां पे कंफर्म कर लें कि क्या आपके यही पीएसआईडी है आपके मोबाइल फोन की। दोस्तों क्योंकि इसका नुकसान ये है कि अगर आपकी पीएसआईडी जरा से भी मिस होगी या फिर आपने गलत IMEI नंबर उन्हें दे दिया तो ये किसी और मोबाइल फ़ोन की पीएसआईडी जनरेट हो जाएगी, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन का टैक्स पे नहीं कर पाएंगे बल्कि ये किसी और के मोबाइल फ़ोन का टैक्स पे कर देंगे। आप कंफर्म लाजमी करें, कंफर्म करके दोस्तों आपने फिर किसी भी बैंक में जाके आप उस मोबाइल फ़ोन का टैक्स जमा करवा के अपने मोबाइल फ़ोन को रजिस्टर करवा सकते हैं। दोस्तों आप घर बैठ के भी अपने मोबाइल फ़ोन का टैक्स जमा करवा सकते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप जाके चैनल में देख सकते हैं। ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग पाकिस्तान जिंदाबाद।